भोला थाना क्षेत्र के मन्नीपुर सहडौली गांव में बीती रात लगभग 11:30 बजे एक बाइक पर सवार दो अज्ञात हमलावरों ने नित्य प्रकाश राय को बिस्तर से जगाकर 50 कदम दूर ले जाकर गोली मारकर हत्या कर दी। गोली नित्य प्रकाश के कूल्हे पर लगी। अगल बगल के लोग दौड़ पड़े लेकिन हमलावर बाइक लेकर फरार हो गए। घायल को CSC गोला पर परिजन लाए। खून का रिसाव काफी हो रहा था। डॉक्टर ने उपचार देकर तत्काल मेडिकल कॉलेज भेज दिया जहां उनकी मृत्यु हो गई। घटना के कारण का पता नहीं चल पा रहा है। पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम भेज दिया है। मन्नीपुर निवासी नित्य प्रकाश राय मंगलवार की शाम को खाना खाकर अपने दरवाजे पर सोए थे। रात लगभग 11:30 बजे एक बाइक पर सवार दो अज्ञात व्यक्ति आए और उन्हें जगाकर बात करते हुए 50 कदम दूर ले गए। आए हुए व्यक्तियों का रुख देखकर नित्य प्रकाश वहां से पीछे मुड़कर भागना चाहे कि हमलावरों ने जान मारने की नीयत से असलहे से गोली चला दिया। गोली नित्य प्रकाश के कूल्हे पर जा लगी और तुरंत वह गिर पड़े। बगल में अपने दरवाजे पर सोए बुजुर्ग कैलाश राय ने गोली की आवाज सुनकर दौड़े और शोर मचाए। हमलावर घटनास्थल पर हथौड़ा व लाल मिर्च पाउडर छोड़कर बाइक से भाग निकले। घटनास्थल पर गांव के लोग एकत्र हो गए। खून का रिसाव काफी शुरू हो गया। उपस्थित लोगों ने उनसे बार बार पूछने का प्रयास किया कि गोली मारने वाले कौन थे। उनका जवाब रहा कि अभी बताएंगे, लेकिन अंत तक नाम नहीं बता पाए। परिजन एम्बुलेंस से CSC गोला पर लाए। मुकामी थाने पर भी घटना की सूचना दिए। सूचना पाकर गोला पुलिस पहुंच गई। डॉक्टर ने स्थिति नाजुक देखकर मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया। एम्बुलेंस द्वारा मेडिकल कॉलेज पहुंचे वह भर्ती हो गए। शरीर से काफी खून गिर जाने के कारण सुबह 5 बजे इलाज के दौरान नित्य प्रकाश की मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक के दो पुत्र हैं। एक 12 वर्ष का रोजगार के लिए गया है और दूसरा घर पर था। गोला पुलिस घटना की छानबीन शुरू कर दिया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SP साउथ अरुण कुमार सिंह ने कहा, जनपद में बाढ़ से निपटने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयार है, जिसके संबंध में प्रभारी आपदा अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने बताया कि जनपद में हर वर्ष बाढ़ की स्थिति बन जाती है, जिसको देखते हुए जिला अधिकारी की अध्यक्षता में बैठक की गई है, जिसमें सभी अधिकारियों ने बाढ़ से निपटने की तैयारियों को अवगत करवाया है। हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। इसके अलावा वाटर लॉगिंग से निपटने की भी तैयारी की जा रही है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रभारी आपदा अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने कहा, बीती रात 11:30-11 बजे के आसपास थाना गोला के मन्नीपुर सहडौली गांव में नित्य प्रकाश राय, जो अपने दरवाजे पे सोए थे और उम्र 60 वर्ष से ज़्यादा है, उन पे किसी दो अज्ञात लोगों ने हमला कर दिया। फायर आर्म इंजरी आई। परिजन लेकर के CSC गए, पुलिस को सूचना दिया। वहाँ से उन्हें जिला अस्पताल और फिर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया, जहाँ सवेरे लगभग 6:30 बजे के आसपास उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के आधार पर आगे इसमें 302 IPC में तरमीम करके कार्यवाही की जाएगी और जो अज्ञात अभियुक्त हैं उनके बारे में लगातार हमारी टीमें गाँव और उसके आसपास प्रयास कर रहे हैं कि घटना का कारण क्या है, और फिर कारण की जानकारी होते ही इसमें कौन लोग शामिल हैं उसकी जानकारी होगी और अनावरण करके इन अज्ञात अभियुक्तों को कानून के तहत माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और विधिक कार्यवाही की जाएगी।